एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने मॉन्स्टर टैंक में एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला हूँ, और ये चेंज भी है। और इस मॉन्स्टर टैंक के लिए वो घातक साबित हो सकता है या नहीं, वो तो हमें उसे डालने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हम अपने मॉन्स्टर टैंक में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर फिश ऐड करने वाले हैं। और सुंदर के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, तो मुझे ये डर है कि हमारी जो ऑस्कर्स है वो उसे परेशान ना करे, बस मैं यही चाहता हूँ, या फिर वो ऑस्कर को परेशान ना करे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं एक फ़िश लाऊं। हमारा मॉन्स्टर टैंक थोड़ा सा खाली दिख रहा है, देख सकते हैं, बहुत बड़ा टैंक है, 5.5 फीट का टैंक है, टोटल 6 फीट है, लेकिन मैंने 5.5 फीट में ही सिर्फ ये सब किया है, बाकी में हमारा सम्प है। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और देख सकते हैं, पिछली बार मैंने डाला था अपनी ये वाली फ़िश को, ग्रीन डेनर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, और उसका साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा सा है, फिर भी हमारे ऑस्कर के साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है, और वो बहुत सारा खाना खाती है, हमारा अंडा देते हैं जो। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मछलियों को खाना दे दें, क्योंकि कोई भी मछली ऐड करने से, जो भी ख़तरनाक मछली ऐड करने से पहले हमें फीडिंग देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर हम ये सब नहीं देंगे तो वो उन्हें भूख लग रही होगी, हमें पता नहीं है, क्योंकि मैं इसे रात के वक्त खाना देता हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 12, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैंने फीडिंग दे देता हूँ, जो इनको देता हूँ रेगुलर एग, जल्दी से मैंने बॉईल भी कर लिया है, उसे मैं जल्दी से दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मछली दिखाऊंगा कि वो कौन सी मछली है, कितनी सुंदर है, और वो कितने प्राइस की है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, और में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं बहुत सारे लाते रहता हूँ। तो चलिए मैं एग लेके आता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इन्हें फीड करा के। ये देखिए अंडा है, और अंडे को हम सारा डालने वाले हैं, और बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो फीडिंग तो पता ही आपको क्यों देते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये अग्रेशन को कम करने के लिए हम फीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें फीडिंग नहीं देंगे, अगर ये भूखी रही हल्की सी भी, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है हमारे नए फिशेज के लिए, क्योंकि वो नए फिश को बहुत ज़्यादा निप करते हैं और मार भी सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ऊपर से। तो डालने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कौन सी मछली डालें कि जो इसके अंदर रह सकती है। मैंने ग्रीन टेरेट डालने से पहले भी कितने बार सोचा था, देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तो जल्दी से हम, अरे भाई ऑस्कर, देखिए आप ऑस्कर का मुंह नहीं देखे, बाप रे कितना बड़ा सा मुंह खोल के आ गई थी ये, मैं डर गया था कि ये बाहर ना आ जाए। ये देखिए और भी बचे हुए हैं, तो पूरे को डाल देते हैं, हम बिल्कुल रिस्क नहीं जाते, और थोड़ा सा मैं बचा लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी फिशेस हैं छोटी छोटी, लेकिन इसको पहले खिलाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी हम फ़िश ऐड करने वाले हैं, और वो फ़िश कौन सी है वो आपको आगे पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा। अरे भाई आरटीसी को तो दिखाई नहीं, गधी। अरे यार ये तो सोते रहती है दिन भर, देखिए अब इसे पता चला है तो ये घूम रही इधर उधर अब, लेकिन कोई खाना बचा ही नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन हम इतने तो गंदे आदमी है नहीं कि हम आरटीसी को छोड़ देंगे अपने, हम इसके लिए और दूसरा एक गरम कर देंगे, लेकिन इसको देना ज़रूरी है, लेकिन तब तक ये खा जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यार इन्हें फीडिंग देने में। ये देखिए यहाँ पे डाल दो दिया है, देखिए ये खा गई, लेकिन हमारे आरटीसी से अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आरटीसी अगर हमारे नए वाले फ़िश को खा जाएगी तो अलग दिक्कत हो जाएगा, तो सब चीज़ देखना पड़ता है। तो मैं आरटीसी को खिलाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार देखिए क्या हो रहा है, चारों तरफ ऑस्कर ही ऑस्कर घूम रही है। और चलिए अब फीडिंग तो मैंने दे दिया है, तो अब मैं आपको अपनी फ़िश दिखाता हूँ, नई वाली फ़िश जो कि मैंने लेके आया है, और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट्स डाला था, और मैं शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने शॉर्ट्स डाला था, और एक प्रीमियम हाई क्वालिटी की फ़िश है, जो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, और आप मुझे बताना कि वो कौन सी और कैसी है और कैसी लगी उसकी क्वालिटी। तो चलिए मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिए इस पैकेट में है, मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस पैकेट में है वो ख़तरनाक ऑस्कर फिश। ये देखिए ये मैंने लाया है, फायर रेड ऑस्कर है ये, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है, जैसे आपने उस वीडियो में देखा था उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। ये जो हमारी नॉर्मल है, देख सकते हैं नॉर्मल ऑस्कर्स को भी हमने कितनी हाई क्वालिटी के बना दिया, अच्छा अच्छा फूड खिला के। ये हमारी अल्बाइनो हो चुकी है,
और ये है हमारी फायर रेड ऑस्कर। तो इसको मैं डालने वाला था और मुझे कितने प्राइस की पड़ी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये थोड़ी सी मुझे महंगी पड़ी, हमारी सारी फिशेस से महंगी पड़ी है। और साइज़ आप देख सकते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं है क्योंकि मुझे ऑस्कर लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा ही लाया। तो एक्लिमेटाइजिंग के लिए इसे चढ़ाना पड़ेंगे हमको, तो चलिए चढ़ा देते हैं। लेकिन देख सकते हैं ये गधे लोग, ओ भाई ये देखिए, ये देखिए ऑस्कर शायद डर गई हमारे दूसरे ऑस्कर से। ये देखिए देखिए देखिए, बाप रे बाप, मैं तो डर गया अभी। लेकिन ये ऑस्कर को आप देखिए, इसका क्वालिटी देखिए, और इसे हम बड़ा करेंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमारे पास एक ऑस्कर की कमी भी थी क्योंकि सारे कलर के ऑस्कर हो जाएंगे हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए थोड़ी देर छोड़ते हैं इसे, तो आधे घंटे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी फिश है, ना ही टेट्रा है ना कुछ है, तो हम इसे छोड़ेंगे भी। तो चलिए थोड़े 15 मिनट बाद मिलते हैं और फिर इसे डालते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये, ऐसा लग रहा है कुछ मैंने इसमें इफ़ेक्ट डाला है। और लेकिन बुलबुले बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, और जब ऑस्कर हमारी इस टंकी में घूमेगी तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा देख सकते हैं। ये ऑस्कर लोग मुझे लगता है इसे डर चुके हैं क्योंकि वो देखते ही भाग गए उसे, वैसे ही ग्रीन टैरेट को देखते हुए भाग गए थे उन लोग। अब देखते हैं क्या होता है आगे, हमारी आरटीसी भी है और बाकी सारी फिश भी है, उनको भी देखना ज़रूरी है। तो 15 मिनट होने वाले, आधे घंटे होने वाले, तो बहुत जल्दी मैं डालने वाला। ये हो चुका है आधा घंटा पूरा और मैं इसका रबर खोल चुका हूँ, और चलिए इसे अब खोल के डालते हैं। भाई गिरना मत, ये देखिए प्यारी प्यारी ऑरेंज कलर की दिख रही है लेकिन वो रेड है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इसे हम पकड़ते हैं हमारे हथियार से, देखिए हथियार भी यहीं पड़ा हुआ है, हमारा पूरा घर हम बिखरा दिए हैं। तो चलिए इसे पकड़ते हैं इस बड़े वाले इससे, और इसे पकड़ते हैं। देखो मैंने इसे डाल दिया है पानी के अंदर, और देखते हैं अब इसका क्या, इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसका कलर, और बहुत ज़्यादा मुझे महंगी पड़ी है। और चलिए अब इसे रिलीज़ करते हैं, और मुझे तो अब काफ़ी ज़्यादा कम डर लग रहा है क्योंकि मैंने देख लिया इसका चाल चलन, और मैं क्योंकि मैंने इसका देख लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और एग्रेसिव दिख रही है, देख सकते हो। बाप रे बाप, फाइनली मैंने इसे छोड़ दिया है, और अभी तक तो किसी ने इसे हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। और ये देखिए आरटीसी के बगल से भी निकल चुकी है। ए आरटीसी, ओए आरटीसी, हाँ ये देखिए थोड़ा बहुत तो निप चलता है और उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देख सकते हैं इसका कलर। ओए ओए, आरटीसी नहीं काट रही है उसे, ये देखिए ये है हमारी फायर रेड ऑस्कर, और इसको देखते हैं अब क्या होने वाला है इसके साथ। वैसे तो सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि ऑस्कर की ब्रीड है और ऑस्कर के पास भी जा रही है। अरे भाई साहब, भाई कुछ मत करना मेरी प्यारी ऑस्कर को, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है मुझे ऑस्कर, देख सकते हैं। और ये एल्बिनो ऑस्कर उसके पास आ चुकी है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कर रही है, थैंक गॉड। मैं इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा डर था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी तरीके से ये रह जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका अच्छा कलर है। और ये जब बड़ी हो जाएगी तो ये जो इसका रेडनेस है पूरा पूरे के पूरे शरीर में आ जाएगा, जैसे इन दोनों के आ चुका है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिख रही है यार, ये देखिए कलर लोग, अब देखिए इसका कलर, मैं सिर्फ इसका कलर की वजह से इसे लाया हूँ, देख सकते हैं ये उसके पास जा रही है। काश ये तीनों एक साथ घूमें और काफ़ी ज़्यादा मज़ा करें और मुझे भी मज़े देते रहें, देख सकते हैं कोई इसे कुछ नहीं कर रहा है। ग्रीन टैरेट भी इसे डर चुकी है, ये देखिए ग्रीन टैरेट की जितनी ही बड़ी है, और हम इसे अब देखना कितने साइज़ में ले आएंगे बहुत ही ज़्यादा जल्दी, क्योंकि हम इसे बहुत बड़ा बड़ा फूड देते हैं, बहुत प्रोटीन वाला फूड देंगे। और ऑस्कर की ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, देख सकते हैं। भाई काटना मत, काटना मत, हाँ फाइनली मुझे राहत की सांस आ चुकी है कि अब कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मैं इसका प्राइस बताने वाला हूँ आप लोगों को कि मुझे ये पड़ी 1000 रुपये की पड़ी, 1000 रुपये की, देख सकते हैं ये छोटी सी मछली जो है 1000 की, क्योंकि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इस वजह से ये महंगी है। और इसको मैंने लाया था जब बहुत छोटी थी, तो ये शायद मैंने 400 या 500 की लाई थी, और ये देख सकते हैं ये सिर्फ इतनी छोटी सी है और 1000 रुपये की है। इसलिए फिशेज में क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही आपका जेनेटिक DNA और हेल्दी कितनी रहेगी वो मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम तो अपनी छोटी ऑस्कर बड़ी ऑस्कर को भी
अच्छी क्वालिटी का बना चुके हैं, देख सकते हैं। तो जो भी आगे अपडेट होगी हमारे ऑस्कर के लिए हम आपको ज़रूर बताएंगे, और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है सब बताएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऑस्कर कैसी लगी वो भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।